बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां पर एसपी से मुलाकात न होने के चलते भड़के पूर्व विधायक सरेनी सुरेंद्र बहादुर सिंह। पूर्व विधायक ने लगाया आरोप, कहा सुरक्षा व गनर की मांग कर उनकी एक फाइल मुख्यमंत्री के यहां से आई है जो पुलिस कार्यालय में लंबित है, जिसके संबंध में वह एसपी से मुलाकात करने आए थे। पूर्व विधायक ने राज्य सरकार के एक मंत्री और भाजपा विधायक सहित अन्य से जान का खतरा बताया था। वह 75 साल के हो चुके हैं, खुद ड्राइविंग कर आते जाते हैं, इसके लिए सुरक्षा गार्ड की उन्हें जरूरत है। आपको जो बोलना है, आपको जो करना है, शांति से करिए। यहाँ पे आवाज नहीं, मेरी अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग आपकी सुनी जाएगी, लेकिन आप चिल्लाइए मत कैंपस में, यहाँ चिल्लाने का अधिकार नहीं है। ठीक, आप प्रेम से अपनी बात कहिए, आप सुनिए मेरी बात। आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, आप सब ठीक। आना पड़ेगा। ताना सा कप्तान आ गया इस जिले में, किसी की नहीं सुनता। सब धान 22 पसेरी, उनको आएंगे तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं जाएंगे। आना पड़ेगा उनको, और नहीं तो जिले से जाना पड़ेगा। विधायक जी, क्या हुआ, कुछ उग्र हो गया, क्या हो गया? भैया, 4 दिन पहले मैं आया और शासन से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, मेरी उम्र 75 साल की हो गई। आप जानते हैं मैं स्वयं गाड़ी चलाता हूँ, अकेले घूमता हूँ, शरीर से कमजोर हो गया हूँ। राह चलते कोई बात होती है तो लोग हम धमकाते हैं, मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने मुख्यमंत्री को सेदों के लिए लिखा, वहाँ से जांच आई, थाने से हमारे माफिक हमारे फेवर में रिपोर्ट आई। LIU के यहाँ आज 10 दिन से फाइल पड़ी हुई है। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा मैं देख लूँगा। आज क्या हुआ? आज मैं गया, मैंने वो बाहर कहा कि वो मैं आया हूँ सुरेंद्र सिंह पूर्व विधायक, उनसे कह दो बाहर इंतजार करें। मैंने कहा यह क्या तरीका हुआ, जनप्रतिनिधि आया है और मैं जनता फरियादी बन के नहीं आया हूँ, मैं अपने काम से आया हूँ। और उन्होंने कहा कि इंतजार करिए। हमने कहा ये तो क्या तरीका हुआ, जब वो फाइल में सिग्नेचर करेंगे तो जनता से नहीं मिलेंगे क्या? और फिर हमको बुलाया, आप कैसे आ गए, आपका काम नहीं होगा, आपको शैडो नहीं मिलेगा, आप इस तरह से आप बोलते हैं। हमने कहा हमारा देखो, ये चेक पोस्ट हमने बनवाया है, सिविल लाइन का चेक पोस्ट अपनी जमीन में, करोड़ों की जमीन में 2.5 लाख रुपए से हमने बनवाया। पुलिस लाइन में जो बैडमिंटन का कोर्ट है वो अग्रवाल साहब ने कहा तो 4-4 AC हमने अपने पैसे से 4-4 AC लगवाए हैं। हम हर जगह पुलिस की मदद करते हैं, पुलिस की सहायता करते हैं, और इस तरह हमसे व्यवहार कर रहे हैं। मेरी उम्र 75 साल है, मुझे शुगर की बीमारी है। क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? मैं मेरी फाइल में जो शासन से आया है, हमको हमारा अंगरक्षक दिया जाए। क्यों नहीं देंगे किस? अरे रामलाल अकेला पूर्व विधायक दो शैडो है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह सरेनी के पूर्व विधायक है, दो शैडो है। मैंने असल 85-90 में मेरा काल खत्म हो गया, मैंने आज तक शैडो गनर नहीं लिया, लेकिन आज मुझे आवश्यकता है, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को लिखा और वहां से फाइल आई है। थाने से हमारे केवल हमारे दुश्मन है, दिनेश सिंह हमारे दुश्मन है, अदिति सिंह हमारे दुश्मन है, गोपालगंज सिमी सिंह हमारा दुश्मन है, ये नियस्ता का जो पुट्टू है वो हमारा दुश्मन है। इन्होंने लाखों रुपए हमसे ले लिए हैं, देते नहीं, मांगने से मारने की धमकी देते हैं। तो मैं गनर चाहता हूँ अपनी सुरक्षा के लिए, मैं जनप्रतिनिधि रहा, मैंने कभी पुलिस का पैसा अपव्यय नहीं किया, और आज हमारे से ये हमारी तरह बुरी तरह हमारे से व्यवहार कर रहे हैं, और धमका रहे हैं चला जाऊंगा। अरे तुम सरकार के जनता के नौकर हो, ठीक है तुम्हारी कुर्सी बड़ी है, लेकिन तुम जनता की सेवा के लिए आए हो, जनता की सुनने के लिए आए हो, तुम जनता पर शासन करने के लिए नहीं आए हो। और जब तक वो फिर से दफ्तर में नहीं आएंगे, मैं यहाँ से और आप लोगों से निवेदन करूंगा, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, इनकी तानाशाही खत्म कर दूंगा।
इनके बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, एक पैसे का रिश्वत मैंने नहीं लिया, मैंने केवल दान किया अपने जीवन में। कहते उस दिन आए तो मेरा एक घंटा ले लिए, एक घंटा ले लिए मेरा, ये कहते हमसे। आपने समय बर्बाद किया। तानाशाही से जिला चलाना चाहता है, बोलता है मेरे कितने मधुर संबंध रहे पुलिस से, और ये तानाशाही किया गया इसका क्या करो। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, सन 85 का विधायक हूँ, मेरी उम्र 75 वर्ष है। शासन ने हमको गनर अलाट किया है, इनके पास फाइल पड़ी हुई है। मैं 4 दिन पहले आया था, इनसे रिक्वेस्ट कर दिया, इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और कहलवा दिया, कह दो इंतजार करें, कह दो बैठे इंतजार करें, हैं और तानाशाही कर रहे, तुम करके बात कर रहे हैं हमसे। महाराजगंज रायबरेली से अरविंद मौर्य की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।